हेलो गाइस, वेलकम टू इजी प्लाई। गाइस, हेयर इज़ द ग्रुप ऑफ अपॉर्चुनिटी फ्रॉम एमएनसीज। सो कुछ एमएनसीज कंपनी जो कि विप्रो, अमेजन, टाटा एलेक्सिस और इन्फोसिस, आप जानते हो कि ये बड़ी कंपनियां हैं और फिर बड़े पैमाने पर हायरिंग चल रही है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का आपके लिए, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको पता चल जाए कैसे आपको इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है, आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हो इस जॉब के लिए। और वन थिंग मोर गाइज, कि अपॉर्चुनिटी के साथ साथ इससे रिलेटेड अपडेट्स भी मैं अपकमिंग वीडियोस में दे दूंगा कि इनके असेसमेंट कैसे हो रहे हैं, क्या क्वेश्चन कुछ सैंपल या फिर ओरिजिनल आपको मिल सकते हैं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड सम असेसमेंट जो कि ऑफिशियल्स हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके असेसमेंट के जाके चेक कर सकते हो, मैंने गूगल हायरिंग की भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, सब इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इजी अप्लाई को टू गेट रेगुलर अपडेट अबाउट एनी ऑफ कैंपस हायरिंग, अबाउट एनी जॉब ओपनिंग्स। लेट्स गो फॉर द टाटा एलेक्सिस फर्स्ट। टाटा एलेक्सिस जो है ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट चल रही है 2022 बैच के लिए, ये जो कि बेंगलोर और चेन्नई, हैदराबाद, पुणे लोकेशन में इसकी हायरिंग होनी है। और इसका जो टेस्ट होगा वो 120 मिनट का ऑनलाइन प्रॉक्टर टेस्ट होगा, जिसमें वर्बल, एनालिटिकल कोडिंग, एमसीक्यू एंड कोडिंग होगी, विच वी विल बी इन्फॉर्मिंग यू इन एडवांस। यानी कि जब आप अप्लाई करोगे तो टेस्ट से पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 2022 बैच और 21 बैच एलिजिबल है, और बी बी टेक, एम ई, एम टेक, एम सी, एम एस सी विथ नो मोर देन वन ईयर ऑफ गैप, एक साल से ज़्यादा ईयर गैप अलाउड नहीं है, और 60% का मिनिमम CGPA होना चाहिए आपके ऑल ओवर एकेडमिक्स में हर सेमेस्टर का मिला करके। तो जो भी है आप इस चीज़ पे ध्यान देना। और बात करें हम इसके रजिस्ट्रेशन की, तो मैं बता दूं आपको कि अगर आप पिछले 6 महीने से कोई असेसमेंट दिए हैं या फिर इंटरव्यू दिया है टाटा एलेक्सिस का, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। आप एक काम कर सकते हैं, दूसरे ईमेल एड्रेस से अप्लाई कर सकते हैं, तब आपको आपको एक्नॉलेज मिल जाएगी, तो आप ये कर सकते हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट जॉब ओपनिंग। वी हैव जॉब ओपनिंग फ्रॉम अमेजन। अमेजन इज़ लुकिंग फॉर डाटा एनालिस्ट सपोर्ट, जो है ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए हायरिंग हो रही है जो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और सिमिलर जो डिसिप्लिन रही है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल स्किल्स की बात करें, प्रोफिशिएंसी इन SQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज मस्ट, 0 to 4 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन हैंड ऑन एनालिटिक्स एंड डैशबोर्डिंग क्वेरी। तो ये चीज़ें हैं, और लाइक जो हर जॉब के लिए चाहिए होता है कि आपका एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन होना चाहिए, और फिर एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली, एबिलिटी टू एंगेज विथ क्रॉस फंक्शन टीम्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स, ये तो हर जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसकी भी है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। आपकी जॉब लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से सारे जॉब्स आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट जॉब ओपनिंग, जो कि एसोसिएट एनालिस्ट की है, ये विप्रो से है। तो ये भी जो जॉब है वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए है, जो बी बी टेक, एम ई, एम टेक, एम सी ए जो है वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो इसके लिए भी वही रिक्वायरमेंट है, उप्स का नॉलेज होना चाहिए आपको, और आपके अच्छे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हों, कम्युनिकेशन स्किल्स हों, ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट में आती हैं विप्रो के। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई गेस गाइस, क्योंकि जो अमेजन और विप्रो है इनके पास प्रोजेक्ट्स रेगुलरली रहते हैं, आपको समझो आप कम काम करना होगा और सैलरी पैकेज अच्छी होती है, तो ज़रूर अप्लाई करें आप। और टाटा एलेक्सिस और इन्फोसिस में भी, अब आइए बात करते हैं इन्फोसिस की। जो इन्फोसिस है वो भी हायर कर रही, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो अगर आप चेंज करना चाहते हो, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आप चेंज के लिए लुक कर रहे हो, तो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, सो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और आप अपना करियर चेंज कर सकते हो और हायर पैकेज पे जा सकते हो। बात करें एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो वर्किंग ऑन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन RPA, ऑटोमेशन एनीवेयर, ब्लू प्रिंट, RUI पाथ, इम्प्लीमेंटेशन मिनिमम 1 ईयर, .NET AI और मशीन लर्निंग, मिनिमम 6 मंथ वर्किंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, एडवांस और मास्टर सर्टिफिकेशन प्रिफर्ड। तो ये सारी बात हुई इस सिस्टम इंजीनियर की। तो आपके पास अगर थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है, आपने काम किया हुआ है, इंटर्नशिप भी इंक्लूड होगी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, तो ज़रूर अप्लाई करना है इसके लिए। और भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेगी रेगुलरली, तो स्टे कनेक्टेड विथ इजी अप्लाई। जॉब आपको जॉब लिंक के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट लिंक्स भी मिल जाएंगी, जैसे कि टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, आपको कोई क्वेरी, कोई कंसर्न है तो आप मुझ तक पहुँच सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दोज कंटेक्ट लिंक। सो आई हैप्पी टू हेल्प यू गाइस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप टू गेट रेगुलर अपडेट्स अबाउट दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। एंड ऑल्सो गाइस, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, सो दे कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।